मिंटो हॉल, पुरानी यानी मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा, जो अब एक आलीशान होटल में तब्दील हो चुकी है। इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर रखे जाने की मांग बीजेपी के भीतर से ही उठी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी महान हस्ती और संविधान सभा के उपसभापति रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस के तौर पर देश मनाता है और 26 नवंबर का ही दिन गौर जयंती का दिन है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि मिंटो हॉल का नामकरण डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर किया जाना चाहिए। दरअसल 26 नवंबर को डॉक्टर हरि सिंह गौर की जयंती है और संविधान दिवस भी है, इसलिए ये मांग की गई है। और कांग्रेस ने तो मांग की कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो मिंटो हॉल का नाम भी टंट्या भील के नाम पर रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत एक बार फिर शुरू हुई है। शुरुआत भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखे जाने से हुई। इसके बाद मंडला पहुंचे मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के जननायक टंट्या भील के नाम पर इंदौर के चौराहे बस स्टैंड का नाम रखने का भी ऐलान कर दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम जननायक टंट्या भील के नाम पे रखा जाएगा और पाताल पानी में जो टंट्या मामा का मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और इंदौर शहर में भवरकुआ चौराहे का नाम परिवर्तित करके जननायक टंट्या भील चौराहे के नाम से किया जाएगा, जहां हमारे जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे इंदौर में MR10 पर लगभग 53 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड बन रहा है उसका नाम भी टंट्या मामा बस स्टैंड किया जाएगा। आदिवासी जननायकों को सम्मान देना बीजेपी की ट्राइबल पॉलिटिक्स का हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन नाम बदलने की पॉलिटिक्स पिछले कुछ सालों में ज्यादा देखी जा रही है। इसी साल जून के महीने में रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिवस पर कांग्रेस ने ग्वालियर शहर का नाम लक्ष्मीबाई नगर करने की वकालत की थी और इंदौर का नाम देवी अहिल्या के नाम पर रखे जाने की भी मांग की थी। नाम बदले जाने की मांग का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग कर चुके हैं। पूर्व CM उमा भारती ने हलाली डैम का नाम बदले जाने की मांग की। वहीं भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल के इस्लाम नगर, लाल घाटी, हलाली डैम और हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलने की मांग कर चुकी है। नाम बदलने की मांग क्यों होती है? दरअसल इसके पीछे ऐतिहासिक भूल को दुरुस्त करने का तर्क दिया जाता है या साम्राज्यवादी विरासत से बाहर निकलने की दलील दी जाती है। नाम बदलने से सरकारों को क्या फायदा होता है? केवल इतना कि कम समय में सुर्खियां बटोरने का मौका मिलता है और गंभीर विषयों से जनता का ध्यान हट जाता है। कांग्रेस ने भी अपनी सरकार के दौरान कई शहरों के बाजारों के नाम बदले। यदि उसका फायदा कांग्रेस को मिलता तो वो इस तरह से हशिए पर नहीं होती। बहरहाल नाम बदलने की सियासत तभी गर्माती है जब या तो चुनाव हो या फिर ध्यान भटकाना हो। मध्य प्रदेश में भी स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं, इसलिए शायद एक बार फिर नाम बदलने की सियासत शुरू हुई है।